नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मेंटल मैथ्स बुक से चैप्टर 14 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे टाइटल में दो टर्म्स हैं, पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर में हम इन दोनों टर्म्स में डिफरेंसेस के साथ साथ मीनिंग और यूजेस समझेंगे। आइए चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं और कुछ बातें जो हमें याद रखनी है उनको समझते हैं। देखिए बच्चों, एरिया इज द सरफेस कवर्ड। एरिया क्या होता है बच्चों? जो सरफेस कवर किया है किसी भी एनक्लोज फिगर ने। और पेरीमीटर होता है बच्चों बाउंड्री That encloses area। तो बच्चों ये देखिए, आपको एक रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल का मैं कहूँ एरिया फाइंड आउट कीजिए, तो क्या कर रहे हैं बच्चों आप? ये जो अंदर जो इस फिगर ने एरिया कवर किया है, ये है पार्ट हमें कैलकुलेट करना है। अब मैं कहता हूँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या हो बच्चों? ये बाउंड्रीज जो है, ये टोटल बाउंड्री हमारी कितनी हो गई, या सम ऑफ बाउंड्रीज आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ तक कोई परेशानी बच्चों? आगे देखिए, पेरीमीटर क्या है बच्चों? कैसे मेजर करते हैं? सेम एज लेंथ, दैट इज सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर या स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स फोर साइड्स। जो भी आपकी लेंथ दी होती है और ब्रेथ दी होती है, उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया, और अगर स्क्वायर ऑफ साइड को हम ऐड कर देते हैं ऑल साइड्स को, तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये फॉर्मूलाज भी बना दिए बच्चों। देखिए कुछ पेरीमीटर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो क्या किया, लेंथ को दो बार ऐड करना, तो 2 इंटू लेंथ और ऐसे ही 2 इंटू ब्रेथ, वो दोनों को जोड़ देंगे। स्क्वायर के लिए बच्चों 4 इंटू क्या करेंगे? साइड ऑफ स्क्वायर, क्योंकि बच्चों स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, अब एरिया की बात करते हैं बच्चों। एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, और किलोमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड। तो देखिए, अगर स्क्वायर की साइड ए है, ए यूनिट है, तो एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ऐसे ही लेंथ अगर एल है और ब्रेथ पी है, तो हमारा जो रेक्टेंगल का एरिया है वो एल इनटू बी, यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इजी था ना। आइए अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है बच्चों, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हूज साइड्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। बच्चों आपको स्टार्टिंग में हो सकता है फिगर भी बनाने की जरूरत पड़े, बट धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि बिना फिगर के भी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखिए, ट्रायंगल की 3 साइड होती है, एक 6 दी है, दूसरी 8 और तीसरी 11। तो पेरीमीटर आप सभी जानते हैं क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कर दीजिए ऐड, 6 प्लस 11 प्लस 18 क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो कि है 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी हमने सीखा सभी साइड बराबर होती है स्क्वायर की, तो क्या होगा? 6 इंटू 4 है ना, अभी हमने देखा था ना, 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। तो लेंथ दी है 6 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या करना है? 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा बच्चों? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4 कह रहा है, बट
बी द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स, तीनों साइड कितनी है 4.5 है। तो बच्चों दो तरीके, या तो 4.5 प्लस 4.5 कीजिए, या दूसरा तरीका क्या है 4.5 इंटू 3 कर दीजिए। तो बच्चों आपको आंसर आपका मिल जाएगा कितना, 13.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 5 से 10 में क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स। कुछ फिगर्स दी गई हैं 5 से लेके 10 तक, उनका हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए सभी साइड्स को ऐड कर देंगे तो 3.5 प्लस 3.5 7 और 5 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 देखिए बच्चों, ये हमारी साइड दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 5। ये हमारी है बच्चों 3 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी हो जाएगी 3, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। अब कर दीजिए बच्चों ऐड, 5 और 5 10, 3 और 3 6, तो आंसर हमारा 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए बच्चों दो फिगर है, तो पहले हम ऊपर वाले का निकालते हैं फिर नीचे वाले का। तो देखिए 3 प्लस 3 कितनी बार ऐड करना है, 4 बार, तो ऊपर वाले का 12 प्लस ये देखिए बच्चों कितना है यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 2.5 यानी 5.5, टोटल कितना आ गया बच्चों 17.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 8 देखते हैं बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग है, इसको नोट करना बच्चों। पेरीमीटर हम याद है ना, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। तो बच्चों इस फिगर की बाउंड्रीज देखिए, तो ये वाली, फिर ये, फिर ऐसे, फिर यहाँ से, और ये लास्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये जो बीच में, ये बाउंड्री नहीं है बच्चों, ये तो बीच का इसका पार्टीशन है, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो 4 प्लस 4 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 और फिर 2.5, तो बच्चों 2.5 और 2.5 5, ऐसे ही ये 5, तो 10 और 8 18, कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 देखिए बच्चों, सिंपल है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज कर दीजिए, कितना है 2.5 प्लस 2.5 ये हो गया 5, ये है हमारा, और ये है बच्चा 4.2 प्लस 4.2, ऐड करेंगे तो 8.4 और 7.5, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 15 और 5 20, 20.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए बच्चों, फिर से हमारे पास दो ट्राइंगल है, बाउंड्रीज ये आप देख रहे हैं, तो 5 प्लस 2 7 और 8 15, और बच्चों यहाँ देखिए 2.5, और ये बच्चों थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, 2.5 नहीं है, ये है 1.5, कितना 1.5 प्लस 1.5 3 और प्लस 3.5 यानी कि 6.5, तो टोटल बच्चों हमारा आ गया 21.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, 11 से 14 में क्या कह रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर। बच्चों ये फिगर्स दी गई है, ये आप देख रहे हैं, तो क्या करना है, इनका पेरीमीटर आपको पता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज कर दीजिए। ये देखिए आपको पता लग गया, सभी फिगर जो है पैटर्न में है, तो एक का निकाल लीजिए, तो निकालिए, ऐड कर दीजिए बच्चों, तो 1 2 3 4, 1 सेंटीमीटर की एक साइड है, तो 1 का 4 आ गया, तो 1 2 ऐसी 3 है, तो 4 × 3 कितना 12 सेंटीमीटर। ऐसे बच्चों यहाँ देखिए, एक ऐसे कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है बच्चों, एक स्क्वायर की 4 साइड है, लेकिन क्या करेंगे अब हम, ये जो अंदर वाली है इनको कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि आप देखिए जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ बाउंड्रीज होता है, तो बाउंड्रीज तो इस फिगर की ये बन रही है बच्चों, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1, एक रेक्टेंगुलर फिगर पर मिल गई हमें 4 स्क्वायर को मिलाने से, और ऊपर 4 दिए तो नीचे भी ये 4 हो जाएगी। अब आपको पता है सभी को ऐड कर देंगे, 4 5 4 9 10, तो आंसर हमारा 10 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए बच्चों, 2 सेंटीमीटर ये वाली साइड है, ये भी बच्चों कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो कर दीजिए सम ऑफ बाउंड्रीज, तो 2 और 2 4, और ये भी 2 हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर को जब हम मिलाते हैं
चार स्क्वायर मिलाने पर एक बड़ा स्क्वायर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो सभी टू टू साइड्स हो गई, तो 4 × 2 यानी कि 8 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर हो गया। अब 14th फिगर देखिए बच्चों, हमें एनक्लोज फिगर देखनी है, कहां पर है ये देखिए, ये एक एनक्लोज फिगर है बच्चों, ऐसे ही ये और ये, फिर ये वाला पोर्शन और ये ट्रायंगल, इनका निकाल लेते हैं। तो देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर ये 1 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी 1 है, क्यों यहाँ पे 1 दिए तो ये भी 1 सेंटीमीटर, तो 1 + 1 = 2 और +1.4 ये आ गया बच्चों 3.4 इस ट्रायंगल का। ऊपर देखिए स्क्वायर है, तो 1 + 1 सेंटीमीटर और ये भी 1, नीचे वाला भी 1 और ये भी 1, तो बच्चों इस फिगर का कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 4 + 3.9 7.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस फिगर का भी कितना है 7.4, ठीक है, इंटू टू कर दिया हमने, 14.8 आ गया इन दोनों फिगर्स का। अब बचे ये दो स्क्वायर, तो एक का आपने देखा कितना निकला, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1, ये 1 और ये 4 और 8 हो कर दीजिए ऐड बच्चों, टोटल हमें कितना मिलेगा 22.8 सेंटीमीटर। आया समझ में। 15 से 17 देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यू लेंथ ऑफ एक्स, या एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, आपको पेरीमीटर दिया गया है इस पर और हमें एक लेंथ निकालनी है, तो आप जानते हैं सभी का सम क्या होता है इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो देखिए 4 + 8 + 7 + x इज इक्वल टू होना चाहिए 32। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो 8 और 7 = 15 और 4 = 19, x हो जाएगा हमारा 32 - 19, क्या आया बच्चों 13 सेंटीमीटर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 16th क्वेश्चन देखिए, आपको पेरीमीटर दिया है कितना 35 सेंटीमीटर, एक लेंथ 12 है, दूसरी 13 सेंटीमीटर है, तो तीसरी क्या होगी 35 माइनस इन दोनों का सम यानी कि 25। तो बच्चों ये आ गया आपका 10 सेंटीमीटर, तो एक्स कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। 17th क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू निकालनी है, पेरीमीटर हमें 24 दिया गया है, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर, ये 3 और ये 3। तो ऐड करिए पहले इनको, इनको ऐड करेंगे बच्चों, आ गया 18 सेंटीमीटर, इसको अब 24 से माइनस कर दीजिए, 24 माइनस 18 आपका मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज ग्रेटर पैरामीटर, दो फिगर हैं, दोनों में से आपको बताना है कि ग्रेटर पैरामीटर किसका है और कितना ज़्यादा है। तो देखिए पहली फिगर क्या है आपकी, स्क्वायर है और दूसरी आपकी ट्राइंगल। तो बच्चों स्क्वायर का पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, 4 × 4.5, तो बताइए क्या आ जाएगा आपका, वेरी गुड, कितना 18 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल ट्राइंगल का पैरामीटर देखिए बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये आ गया आपका 7 और 5 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों 18 बड़ा होता है 12, वेरी गुड 18, और कितना बड़ा है 18 में से 12 माइनस किया 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों स्क्वायर का पैरामीटर ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखिए बच्चों, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनू इफ ही रन्स अराउंड द गिवन प्लेग्राउंड। बच्चों सोनू इस पॉइंट पर खड़ा है, मान लेते हैं ये खड़ा है हमारा सोनू, यहाँ से वो भागना स्टार्ट करता है, तो बच्चों इसके अराउंड भागेगा तो ये वाली पोजीशन में रहेगा और भागते भागते यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर सिर्फ एक बार भागा तो क्या किया हमने, पैरामीटर निकाल लिया बच्चों, हम भी भाग कर तो देखेंगे नहीं, हमें लेंथ पता है, तो क्या किया
सभी को ऐड कर दिया, तो 250 प्लस 250 500 और 120 620 मीटर। तो बच्चों एक बार भागा तो पेरीमीटर निकालना है, वो आ गया हमारा 620। अब अगर तीन टाइम भागेगा तो 3 × 6 = 20 1860 मीटर। ठीक है बच्चों, 21 देखिए, ए फील्ड इज 27 मीटर लॉन्ग एंड 23 मीटर वाइड। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रेक्टेंगुलर शेप बनेगी जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको गिवन है, कितना 27 और 23। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ वायर इज रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग। बच्चों फेंसिंग का मतलब होता है कि आपको, आपने देखा होगा आप अपनी फसलों को बचाने के लिए चारों तरफ अपने खेतों में क्या लगा देते हैं, लोहे की तार, या जो आप बाड़ बना देते हैं है ना, लकड़ी से या पेड़ों से, जिससे जानवर अंदर ना घुसे और आपकी फसल को खराब ना करे। तो यही फेंस है बच्चों, इसी को फेंसिंग बोलते हैं, यानी कि कवर करना किसको, आपकी फील्ड को। तो उसके लिए कितनी बार किया बच्चों, ट्वाइस, आप कह रहे हैं ट्वाइस बार उसको कवर करना है। तो एक बार करेंगे तो पेरीमीटर, और उसका डबल कर देंगे तो ट्वाइस हमारी फेंसिंग की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए आपको पता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × 27 प्लस 2 × 23, 54 प्लस कितना बच्चों 46, ये आ गया आपका 100 मीटर। और बच्चों ये तो हमारा अभी क्या आया है, पेरीमीटर, हमने निकालना कितना है फेंसिंग की लेंथ जब हम उसको ट्वाइस क्या करेंगे, यूज करेंगे फेंसिंग की लेंथ को टू टाइम्स। तो क्या करना है, हमने इसको इनटू टू और कर देना है, तो हमारा लेंथ आ जाएगी 200 मीटर। इतनी वायर हमें चाहिए इस फील्ड को दो बार फेंस करने के लिए। 22 देखिए, साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 30 मीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉय हु गोज राउंड इट 5 टाइम्स। अब देखिए जैसे सोनू यहाँ पर भागा था कितनी बार, दो, एक बार और तीन बार, ऐसी एक फील्ड और दी गई है जिसकी जो डायमेंशन है वो ये है 30 मीटर, और स्क्वायर है तो सारी कितनी हो जाएगी बच्चों डायमेंशन 30 मीटर। अब एक लड़का भागना स्टार्ट करता है और कितनी बार भागता है, 5 बार। तो पहले एक बार भागते हैं तो निकाल लेते हैं कितना वो डिस्टेंस भागेगा, तो 30 × 4 = 120, और 5 बार भागेगा तो × 5 कर दीजिए, टोटल कितना भागा वो 600 मीटर। 23 और 24 क्या करना है बच्चों, पेरीमीटर निकालना है आपको, लेंथ दी गई है ब्रेथ दी गई है, 23 में कर रहा हूँ 24 आप करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद है, 2 × L 25 प्लस 2 × 20 जो हमारी ब्रेथ है, ये आ जाएगा बच्चों आपका 50 और 40 90, कितना 90 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप दूसरा कर लेंगे 24, ऐसे ही स्क्वायर का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, आपको पता है क्या होता है 4 × 29, दूसरे वाला आप करेंगे बच्चों, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 116 सेंटीमीटर। 26 आप करेंगे बिल्कुल 25 की तरह, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अब आ गए बच्चों पेरीमीटर से एरिया पर, तो आपको याद रखना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या था, साइड इंटू साइड, या अगर ए साइड है तो ए इंटू ए, आपको साइड दी गई है 22, तो आंसर हो जाएगा हमारा 22 × 22, ये होता है हमारा 484। यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से मुझे सोल्व करके बताएं, 42 × 42 क्या होगा, वही हमारा स्क्वायर का एरिया होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ दी है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एल इंटू बी, तो कर दीजिए 14 × 9, कितना होगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों आप 30th क्वेश्चन करेंगे, एल इंटू बी, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि रेक्टेंगल का एरिया 30th क्वेश्चन में क्या होगा, जिसकी लेंथ 25 है ब्रेथ 12।
चलें आगे। वेरी गुड, आइए 31st क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारी बच्चों वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जल्दी से देखते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ। बच्चों एरिया आपको पता है क्या होता है, एल इंटू बी, वो कितना दिया है आपको 208। अब आपको पता है बच्चों इसमें एक वैल्यू दी है तो दूसरी निकल जाएगी, कौन सी दी है, लेंथ, कितना 16, तो बी की वैल्यू क्या होगी 208 डिवाइड बाय 16, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, जब आप 208 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही बच्चों 32 क्वेश्चन है, 31 की तरह लेंथ निकालनी है, जिसमें क्या दिया आपको, एरिया दिया है और ब्रेड्थ दिया है। सिंपली क्या करेंगे, एल हो जाएगा 475 डिवाइड बाय 19। जल्दी से बताएं बच्चों क्या आंसर आपको मिलेगा। 33 दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। बच्चों इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। साइड तो दी नहीं गई है हमें, तो साइड कैसे निकालें, सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो आप जानते हैं बच्चों 4 इंटू साइड, ये होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और कितना दिया है ये 84, तो यहां से साइड क्या आ जाएगी 84 डिवाइड बाय 4, कितना आ गई बच्चों 21 और सेंटीमीटर। अब आपको पता है एरिया कितना हो जाएगा, फिर अब एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, तो 21 इंटू 21 कर दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है ना बच्चों, शाबाश। आइए अब 34th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए, ये वाली फिगर, एंड रेक्टेंगल बी आर सेम, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। दोनों का एरिया सेम है, तो पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, लेंथ जिसकी 9 है और ब्रेथ जिसकी क्या है बच्चों 1 है, तो इसका एरिया हो गया 9 × 1 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, या हम कहें साइड का स्क्वायर। तो बच्चों साइड का स्क्वायर हमारा किसके बराबर आ गया, ये देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, देयरफॉर एक स्क्वायर से स्क्वायर कट गया बच्चों, साइड हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। हमारा जो स्क्वायर का साइड है वो कितना आ गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। चलिए अब 35 से 37 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज, ये बच्चों देखो स्क्वायर बने छोटे छोटे, इनको मिला के एक बड़ी फिगर बनी हुई है, हर एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया पूछा है। तो देखिए बच्चों अगर एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप काउंट कर लीजिए शेडेड रीजन कितने हैं और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो करिए 35 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल कितना हो गया 10 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ऐसे आप 36 कर लेंगे, ध्यान ये रखना है बस, जो ये हाफ और ये हाफ मिलके ये पूरा एक बना लेंगे, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये हो जाएगा 11वां आपका। 37 देखिए, 1, 2, 3 तो पूरे हैं, ये दोनों मिला के 4, ये दोनों मिला के 5 और ये आधा, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखिए शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, दो तरीके हैं बच्चों, पूरा एरिया निकाल लीजिए उससे जो अनशेडेड रीजन है उसको माइनस कर दीजिए, या अगर आपको शेडेड रीजन की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट हो जाती है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए
जो इजी तरीका है वो क्या है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें आसानी से मिल जाएगी। कैसे? अगर ये दो है तो आप जानते हैं ये भी 2 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक पूरी 5 है और ये ऊपर 3 इतना है, तो बचेगा कितना? 5 से 3 गया 2, तो बच्चों ये भी 2 हो जाएगी। और आप देखिए अब ये एक तरीके से क्या है, हमारा स्क्वायर बन गया जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया आ जाएगा। 39 देखिए बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने निकालना है, तो शेडेड पोर्शन क्या है? ये बड़े वाला जो नीले वाला पोर्शन है। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं हम, अभी मैंने बताया था टोटल का एरिया निकालिए और अनशेडेड रीजन का माइनस कर दीजिए, तो 9 पंजे 45 माइनस करना है 2 दूनी 4, ये आ जाएगा बच्चों आपका 41 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। आगे देखिए 40 में, अब देखिए बच्चों ये हाफ ट्राइंगल और ये क्या कर रहे हैं, एक क्या बना रहे हैं बच्चों? ये देखिए ये हाफ और ये हाफ अपोजिट को मिला दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहां भी तो ये भी बन है, ये भी बन है, ये भी बन और ये भी बन, तो एक पूरा स्क्वायर बन गया। ऐसे ही बच्चों ये दोनों मिलके भी एक स्क्वायर बनाएंगे, तो टोटल 2 स्क्वायर हो गए हमारे पास। तो शेडी रीजन का एरिया कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 41 देखिए, एरिया ऑफ शेडी रीजन क्या होगा? ये देखिए बच्चों ये वन है तो ये भी वन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये पूरा 6 है, 6 को बच्चों क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 1, और 3 है तो 2 + 2 + 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 और 43 में क्या करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन बताना है बच्चों। नीले वाला शेडेड है तो ये बचेगा अनशेडेड। तो देखिए बच्चों हमें डायमेंशन दिए अनशेडेड के, सिंपल है, दोनों का एरिया निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 + 2 × 1 = 2, कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो शेडेड रीजन का एरिया वो कैलकुलेट कर सकते हैं और टोटल में से माइनस कर सकते हैं, या आप देखिए यहां पर भी जो एक स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी आ रही है, 1:1 आ रही है। कैसे? ये देखिए टोटल 4 है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक कितनी हो जाएगी? 1। ऐसे ही बच्चों इधर 5 है और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये पता लग गया कि एक स्क्वायर की यूनिट जो आ रही है 1 सेंटीमीटर आ रही है लेंथ और ब्रेथ, तो आप सिंपली स्क्वायर को काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इतना, कितने बच्चों अनशेडेड स्क्वायर कितने? 13। तो हमारा हो जाएगा आंसर 13 × 1 cm² = 13 cm². चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो लेवल है वो टफ होने वाला है, तो सभी अपनी जो आंखें हैं वो खुली रखेंगे और कंसंट्रेशन को बनाए रखेंगे। तो देखिए 44th क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए टाइल। आप टाइल सभी ने देखी है, आपके स्कूल्स में घरों में लगी रहती है, जिसकी आपको क्या दी गई है, लेंथ और ब्रेथ दी गई है, तो उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है बच्चों, L × B 25 × 11 आप कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 55th देखिए, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग आपको बताया था मैंने, अ स्क्वायर पार्क। इस बार क्या है बच्चों, रेक्टेंगुलर फिगर ना होके कैसी है, स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड 150 मीटर है। तो फेंसिंग करने के लिए क्या करते हैं हम, जब भी फेंसिंग की बात आएगी तो क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो निकालिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, 150 × 4, ये आ गया 600 मीटर, ठीक है। तो 600 मीटर आपको क्या करना है, आपको कोई वायर या जो फेंस के लिए आप जो मटेरियल इस्तेमाल करने हैं वो चाहिए, और 1 मीटर की कीमत बच्चों आपको लगेगी 9 रुपये। तो आप देखिए 600 मीटर की कितनी लगेगी, 600 × 9, ये आ गया आपका 5400 रुपीज़।
46 देखिए, द फ्लोर ऑफ ए होल इज कम्प्लीटली कवर्ड बाय 40 कारपेट्स। कोई भी प्रोग्राम आपके स्कूल में या घर पे होता है बच्चों, या आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर सजाने के लिए नीचे कारपेट बिछाते हैं, तो एक पूरा बड़ा कारपेट तो होता नहीं है। क्या करते हैं बच्चों, छोटे छोटे कारपेट मिला के उस जगह को कवर किया जाता है। तो क्या किया, एक होल को कवर करने के लिए कितने कारपेट लगे, 40, और एक कारपेट की जो मेजरमेंट थी वो क्या थी, 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। तो देखिए थोड़ा इसको समझने के लिए, मान लीजिए ये हमारा एक पूरा बड़ा होल है, ठीक है, हमें नहीं पता उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है, हमें तो ये पता है कि हमारे पास जो कारपेट है उसकी लेंथ कितनी है, ये हमारा कारपेट है और आप देखिए इसकी लेंथ कितनी बताई, 2 मीटर, और ब्रेथ बताई 1.5 मीटर। तो ये एक तो इसको कवर करेगा नहीं, तो ऐसे ही कितने कारपेट लगे बच्चों, हमारे 40 कारपेट ऐसे इसमें लग गए पूरा कवर करने के लिए। कितने कारपेट लगे बच्चों, ऐसे 40 कारपेट हमारे लग गए और इसको पूरा कवर कर दिया। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसका एरिया निकाल के अगर हम 40 कर देते हैं तो हमें इस पूरे का एरिया मिल जाएगा, और यही हमने करना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, तो आप जानते हैं 1.5 × 2, ये एक कारपेट का एरिया आया, इंटू 40 कारपेट लगे टोटल, तो ये पूरे होल का एरिया हमें मिल जाएगा। और ये कितना आया बच्चों, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए बच्चों, उसको एक बार 10 सेकेंड आप बैक करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्g 3 मीटर वाइड, ए स्क्वायर कारपेट, इस पर कैसा कारपेट है, रेक्टेंगुलर ना होके स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड। तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या करना है, आप देखिए एक फ्लोर आपको दिया गया है जिसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर, 5 बच्चों मीटर है, और 3 मीटर है उसकी जो आपको ब्रेथ दी गई है। अब कह रहे हैं कारपेट है जिसकी साइड है कितना, 3 मीटर, तो ये देखिए एक स्क्वायर कारपेट है जिसकी साइड है 3 मीटर, तो आप जानते हैं यहाँ तक भी कितना आएगा बच्चों, ये 3 मीटर 3 बाय 3 का एरिया कवर कर लेगा। तो ये रिमेनिंग जो पार्ट बचा इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, अपने एरिया ऑफ फ्लोर निकालिए, माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ कारपेट। तो देखिए एरिया फ्लोर 5 × 3, ये हो गया 15, एरिया ऑफ कारपेट हो गया 3 × 3, 9, माइनस कर दिया आपने, आपको आंसर कितना मिला, 6 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ फ्लोर विच इज नॉट कारपेटेड, जिसपे कारपेट नहीं बिछा है। द साइड ऑफ ए स्क्वायर टाइल 12 सेंटीमीटर, हाउ मच सच टाइल्स वुड बी रिक्वायर टू कवर द फ्लोर ऑफ ए स्क्वायर बाथरूम ऑफ साइड 120 सेंटीमीटर। बच्चों स्क्वायर ही बाथरूम है, स्क्वायर ही टाइल है, लेकिन डायमेंशंस अलग अलग है। ये आपका स्क्वायर बाथरूम है जिसकी डायमेंशन है 120 सेंटीमीटर बाय 120 सेंटीमीटर। अब इसमें टाइल्स लगानी है छोटी छोटी, उसकी डायमेंशन कितनी है, 12 बाय 12। तो हमने बताना है ऐसी कितनी टाइल्स लगेगी। तो देखिए टाइल्स का एरिया कितना आ गया बच्चों, 12 × 12, और हम मान लेते हैं एक्स टाइल्स वो लगेंगी। तो आप जानते हैं जब ये टाइल्स पूरा एरिया कवर कर लेंगी तो ये किसके एरिया के बराबर हो जाएगी, एरिया ऑफ द बाथरूम के, और वो कितना है हमारा, 120 × 120। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से, 120 × 120 / 12 × 12, कर दीजिए 10, और ये भी 10, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 100। तो कितनी टाइल्स लग जाएंगी, 100 टाइल्स आपकी लग जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन 49, ए रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 40 है, विड्थ 20 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क और फेंसिंग। फेंसिंग का तो आपको पता है, सिंपल क्या करना है, पेरीमीटर निकाल के इससे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नई टर्म आई है लेवलिंग, लेवलिंग क्या होती है बच्चों, लेवल का मतलब होता है उसको समान जो है पार्क की उसकी हाइट जो है
समान रहे, है ना, कि एक तरफ उसमें ढलान ना हो, एक तरफ ऊंचाई ना हो। हम उस पार्क में कहीं भी खड़े हों तो हमें पार्क जो है वो क्या नजर आए, बिल्कुल प्लेन नजर आए, ठीक है। तो उसको करने की कीमत कितनी है पर स्क्वायर मीटर की, 9.5 रुपये। अब आप जानते हैं जब आप, ये पार्क है तो जो फेंसिंग है वो तो साइड कहां पर होती है, बाउंड्रीज पर होती है, तो इसलिए हम पेरीमीटर निकालते हैं, लेकिन लेवलिंग तो अंदर कर रहे हैं ना बेटा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी लेवलिंग शब्द आएगा तो क्या करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। तो करिए एरिया फाइंड आउट, 40 × 20 कितना आ गया, 800 मीटर स्क्वायर। अब एक स्क्वायर मीटर क्या इतने रुपए हैं, तो 800 स्क्वायर मीटर कितना होगा, 800 × 9.5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 7600। कितना आ जाएगा बच्चों, 7600 रुपीज, ठीक है। फेंसिंग का आपको पता ही है, पेरीमीटर निकाल लीजिए कितना, 80 और 40 120, और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 960 रुपये फेंसिंग का खर्चा आ जाएगा पार्क का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज थ्राइस इट्स ब्रेड्थ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये बना दिया हमने रेक्टेंगुलर पार्क हमारा, जिसकी जो लेंथ है वो थ्राइस है ब्रेड्थ की। तो हम मान लेते हैं कि इसकी ब्रेड्थ गिवन ही है बच्चों, देखिए द ब्रेड्थ इज 10 मीटर, तो 10 मीटर ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितनी होगी इसकी, 3 गुना, तो 30 मीटर। अब कह रहे हैं व्हाट वुड बी द पैरामीटर ऑफ द पार्क, सिंपल है बच्चों, ये 10 है तो सामने वाली भी 10 हो जाएगी, ये 30 है तो इसके सामने वाली ये 30 मीटर हो जाएगी। निकाल दीजिए, 60 + 20 80 मीटर कितना आ गया, पैरामीटर आ गया किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, पैरामीटर ऑफ पार्क हो गया हमारा 80 मीटर। अब क्या कह रहे हैं, मैन कवर्स 136 मीटर वाइल गोइंग राउंड ए स्क्वेयर पार्क, वट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर पार्क। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्क्वेयर पार्क है उसके चारों तरफ एक आदमी चलना स्टार्ट करता, तो ऐसे चलेगा बच्चों और यहां पर वो खत्म कर देगा अपनी जर्नी, तो जो ये लेंथ टोटल चली ये कितना चली, 136 मीटर। और आप जानते हैं बच्चों बाउंड्री बाउंड्री को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, जो कि होता है 4 × साइड। तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी, 136 / 4, ये आ गई हमारी, ये आ गई बच्चों हमारी 34। लेकिन आप देखिए यहां पे लिखा है स्क्वायर पार्क ट्वाइस, दो बार गया है, तो इसको एक बार हम 2 से डिवाइड और कर देंगे तो हमारी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। यही पूछा है बच्चों, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द दिस पार्क कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आपको समझने में कितना मजा आया, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।